हेलो एवरीबडी वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू अगेन एंड आज हम आईजी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी और इसमें भी हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पेपर uh, किस पैटर्न से लिया गया है यूनिट में कौन से चैप्टर्स आप यहां पर अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है प्रू दैट एवरी फंक्शन डिफाइंड एंड कॉन्टीन्यूस उउंडेड इन द इंटरवल थियोर्टिकल पोर्शन मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब एडवांस कैलकुलस में हम फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो थ्योर्टिकल पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी थ्योरम आपको स्किप नहीं करनी है ओके थ्योर्टिकल पोर्शन से यहाँ पे देखिए दोनों ही क्वेश्चन आपके थ्योरम्स ले गए हैं सेकेंड पार्ट प्रूव दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन वन बाई एक्स इज कॉन्टीन्यूअस बट नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ठीक है सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेगा और तो यहाँ पर दोनों ही जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट पहले चैप्टर से कवर कर दिए गए क्लियर दैट इसलिए अगर हम पहले चैप्टर के जो पहले यूनिट के तीन चैप्टर्स में से दो चैप्टर करते हैं तो आपको कोई रिस्क नहीं है

ठीक है यहाँ पर दोनों जो क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट ये सेकेंड और थर्ड चैप्टर से यूनिट सेकेंड देखते हैं शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स वाई ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट हुआ है हर यूनिवर्सिटी में मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कंटिन्यूस एट द ओरिजन जिसने फोर्थ चैप्टर किया है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो करके चलिएगा और मैंने आपको पहले ही बताया है आप फोर्थ चैप्टर छोड़ सकते हो क्योंकि फिफ्थ चैप्टर इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर और आप देख सकते हो कि तीनों ही क्वेश्चन तीनों कैसे थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट और फोर्थ क्वेश्चन का ए और बी पार्ट ये सारे सारे के चैप्टर से लिए गए हैं तो आप यहाँ पर को बिल्कुल, बिल्कुल स्किप कर सकते हैं आप यहां पर है। पूरा पढ़ेंगे। तो आप देखिएगा कि जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है इससे पहले जब हमने एमडीयू का पेपर देखा था वहां पर भी इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आया हुआ था और यहाँ पर भी इन टर्म ऑफ एक्स एंड ठीक so, है, एज टर्म ऑफ द थर्ड डिग्री तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है यानी कि एक्सरसाइज है फाइव पॉइंट फोर एक्सरसाइज राइट फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट, वी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स माइनस वाई प्रूव दैट कर ली वी बाय कर ली एक्स कर ली वी बाय कर ली वाई ली वी बाई कर ली, ली, ली जाड इक्वल टू जीरो तो दोनों ही क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशिएशन से लिए गए हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट भी पार्शियल part डिफरेंशिएशन से है तो अगर आप एक चैप्टर कर लेते हो फाइव पॉइंट फोर भी आपको करना कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट फाइव पॉइंट वन कर लेते हैं टू थ्री कर लेते हैं लेकिन लास्ट एक साइड छोड़ देते हैं लेकिन आपको वो करने ही करने हैं उसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है ठीक है तो यहाँ पर हम फिफ्थ चैप्टर करेंगे फोर्थ को स्किप करेंगे यहाँ से आप कोई भी एक या तो थर्ड या फिर फर्स्ट सेकंड बिल्कुल भी नहीं अब इतना बताने के बावजूद भी स्टूडेंट का कमेंट आते हैं कि क्या मैम हम सेकंड चैप्टर छोड़ दें फर्स्ट और थर्ड कर लें अरे नहीं बिल्कुल भी नहीं आपको सेकंड चैप्टर बीच का चैप्टर कभी नहीं छोड़ते या तो यूनिट में सबसे ऊपर का चैप्टर चैप्टर छोड़ो या सबसे लास्ट का चैप्टर स्किप कीजिए तो ये आपको ध्यान रखना है कि बीच वाला जो चैप्टर है ये आपको नहीं छोड़ना वो करना ही करना है क्योंकि जब एग्जाम हमारा बनाया जाता है वो यूनिट एक जो यूनिट फर्स्ट में से एक क्वेश्चन इन दोनों से और एक क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से बनाया जाएगा अंडरस्टैंड

डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स वाईल टू एक्स बाई वाई वाई नॉट इक्वल टू जीरो डिफरेंशियबिल्स वाई विद वाई नॉट इक्वल टू जीरो दोनों ही क्वेश्चन हमारे फिफ्थ चैप्टर से लिए गए हैं सॉरी चैप्टर से क्योंकि यूनिट थर्ड स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ से सिक्सथ और सेवन्थ चैप्टर में आपकी यूनिट कवर होती है सिक्स चैप्टर क्या है डिफ्रेंशबलिटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल तो अगर आपने सिक्स चैप्टर कर लिया सेवन छोड़ सकते हो सेवेंथ कर लिया

शो दैट द ऑस्किलेटिंग प्लेन यूनिट फोर्थ डिफ्रेंशियल जोमेट्री एट नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ अगर आपने कार इंस्पेस कर लिया है बहुत अच्छे से तो नाइन्थ भी मुश्किल नहीं है नाइन्थ भी कर सकते हो इजीली और आपको चार चैप्टर गिवन है तो दो चैप्टर आपको करने ही करने चाहिए अगर आप ये कहें कि मैं टेंथ और इलेवेंथ कर लूँ तो एट चैप्टर कर इन स्पेस के बिना आप आगे के चैप्टर नहीं कर पाएंगे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपके तो आठवां चैप्टर तो आपको करना ही करना पड़ेगा ठीक है और अगर हम एट चैप्टर कर रहे हैं तो क्यों ना हम नाइन्थ ही कर लेते हैं ताकि यहाँ से हमारी यूनिट कवर हो जाएगी ठीक है जो केवल पास होना चाहते हैं वो ओनली एट्थ भी कर सकते हैं शो दैट द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट अ पॉइंट पी हैज अ जनरल थ्री पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद द कार एट पी थ्योरम आपसे पूछी गई यहाँ पर बी पार्ट यूज द फॉर्नेट फॉर्मूले टू फाइंड द डायरेक्शन साइंस ऑफ द प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाय नॉर्मल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट चैप्टर से ही आपके दोनों क्वेश्चन कवर हो गए जहाँ पर डिफरेंशियल जोमेट्री में चार चैप्टर हैं और अगर आपने करो इन स्पेस कर लिया है तो यहाँ से आपका क्वेश्चन रेडी हो जाएगा ठीक है फिर भी रिस्क नहीं लेना है जो स्टूडेंट केवल पास नहीं होना चाहते मतलब अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं वो नाइन्थ भी कीजिएगा ओके okay? इसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा और या तो ये दोनों पार्ट करो या ये दोनों पार्ट कीजिए एट्थ का एक जो फर्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कर्वेचर इज कॉन्स्टेंट दैट द कर्व लाइज ऑन अ स्फीयर और हैज अ अंस्टेंट कर्वेचर ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आपने आठवां चैप्टर कर लिया तो क्वेश्चन रेडी है आपका ठीक है ऐसे ही हमने एम में भी देखा था कि आठवें क्वेश्चन से ही सॉरी आठवें चैप्टर से ही पूरा क्वेश्चन यूनिट फोर्थ कवर हो जाती है वो है ही इतना लेंथ ही बाकी थ्री चैप्टर और आठवां चैप्टर अकेला सेम वेटेज रखता है ठीक है इफ रेडियस सेकेंड पार्ट फाइंड द इन वोल्यूट ऑफ ए सर्कुलर हेलिक्स तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं और बहुत ही कम देखिए अगर मैं ओवरऑल uh, मैं बताऊँ यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में हमारे पास थ्री चैप्टर थे यहाँ से एक चैप्टर छोड़ा हमने सेकेंड में दो चैप्टर हैं यहाँ से फोर्थ को स्किप करोगे ठीक है कॉन्टीन्यूटी एंड क्वार ऑफ फंक्शन इन टू वेरिएबल आप यहाँ पे फोर चैप्टर छोड़ेंगे डिफरेंस जो पार्सल डिफ्रेंसिएशन है ये आप करेंगे सिक्स और सेवन चैप्टर से आपने सेवन चैप्टर छोड़ा है या सिक्स छोड़ा है आप एक छोड़ सकते हो और इसके बाद लास्ट मिनट में तीन चार चैप्टर है यहाँ से आप आठवां तो करना ही करना है नाइन्थ भी कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है दो चैप्टर आंख बंद करके छोड़ दीजिए यहाँ पे कोई डरने की जरूरत नहीं है आपके रेडी हो जाएंगे और इन्हीं चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं जैसे सेवन चैप्टर है हमने स्किप किया है तो डेफिनेशन जरूर जो भी आप चैप्टर स्किप कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन जरूर कीजिएगा ताकि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाए तो आप उसको कवर कर सकते हैं सो तैयार कीजिए नेक्स्ट पेपर हम लेकर आएंगे कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी का और उसमें भी हम देखेंगे कि कैसे आपको प्रिपेयर करने है सो बाय टेक केयर